नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी वेव्स। देखिए दोस्तों, इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नई सीरीज जिसका नाम है इंटरनेट के जो बेसिक्स ऑप्शन होते हैं उनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो ये जो लेक्चर है हमारा पहला लेक्चर है और इसमें हम बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट के बारे में सारी चीजें हम जानेंगे, मतलब इंटरनेट किसे कहते हैं या और किसके अंतर्गत वो वर्क करता है। उसके बाद हम इंटरनेट और इंटरनेट के अंतर्गत जो है डिफरेंस के बारे में बात करेंगे। इसके बाद ISP क्या होता है वो हम जानेंगे, कनेक्टिविटी यानी कि कनेक्शन के जो प्रकार है किस किस प्रकार से होते हैं, कौन कौन से होते हैं, VSAT के बारे में जानेंगे, URL क्या होता है, पोर्टल मतलब पोर्टल यानी कि वेब पोर्टल के बारे में हम जानेंगे, एप्लीकेशंस, ईमेल, चैटिंग, WWW क्या होता है, वेब ब्राउजर क्या होता है, HTTP और नेटवर्क लेयर यानी कि जो OSI मॉडल होता है। OSI मॉडल का मतलब होता है नेटवर्क में सूचना भेजने के लिए एक फॉर्मेट होता है, उसे हम बोलते हैं OSI मॉडल। तो ये हम सारी चीजें के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे और इसमें आपका बहुत सारी चीजें कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद जो एक और लेक्चर आएगा तो उस लेक्चर में आपका कंप्लीट जो बेसिक चीज है यानी कि जो है आपका प्रोटोकॉल वगैरह रह जाएंगे, तो प्रोटोकॉल भी आपके उस लेक्चर में कवर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। अच्छा, एक और चीज, अगर आपने पिछले HTML के लेक्चर नहीं देखे हैं वो आपके वेब पेज से रिलेटेड है, HTML हो गया, CSS हो गया और JavaScript हो गया, ये सारे लेक्चर अपलोड किए जा चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर उनकी जो है उनको देख सकते हैं और उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उनकी लिंक प्राप्त हो जाएगी, तो आप कहीं से भी जाकर उनको देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंटरनेट की। देखिए इंटरनेट होता क्या है, उसके पहले हम तीन चीजें के बारे में अच्छे से जानेंगे। तो आपने देखा होगा नेटवर्क, तो नेटवर्क की अगर बात करें तो नेटवर्क होता क्या है, जैसे मान लो एक कंप्यूटर ही है, ठीक है, एक कंप्यूटर है और एक कंप्यूटर ही है, इसके बाद हमने एक कंप्यूटर ये रख दिए, तो तीनों को हमने क्या करें आपस में जोड़ दिए, किसके लिए, डाटा के आदान प्रदान के लिए, बोले तो कम्युनिकेशन करने के लिए। मतलब हम क्या बोल रहे हैं, एक से अधिक कंप्यूटर जब आपस में किसी नेटवर्क मतलब केबल के माध्यम से आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, किसके माध्यम से, उनका पर्पस होता है यानी कि उद्देश्य होता है किसका, एक उद्देश्य होता है जो कि होता है सूचनाओं का आदान प्रदान, यानी कि सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए एक से अधिक कंप्यूटर जब आपस में जुड़ जाते हैं उसे बोलते हैं हम क्या, नेटवर्क, ठीक है। तो नेटवर्क क्या होगा, एक प्रकार का जाल हो गया। और ये कितने प्रकार का होता है, ये तीन प्रकार का होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लैन होता है, मैन होता है, एक लैन हो गया और एक मैन हो गया और एक हो गया वैन, ठीक है। तो लैन का मतलब क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, और मैन का मतलब हो गया मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है, और वैन का मतलब हो गया क्या, वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये हो गया तीन प्रकार के नेटवर्क। तो लैन में हम अगर बात करें तो लैन जो काम करता है एक बिल्डिंग विशेष पर काम करता है, बिल्डिंग यानी कि एक कॉलेज की हो गया, एक कंपनी हो गई, कोई भी चीज हो गया, अपनी बिल्डिंग में डेटा के आदान प्रदान करने के लिए सभी कंप्यूटर को आपस में जब कनेक्ट करते हैं उसे हम बोलते हैं लैन। और उसी को अगर अपग्रेड कर दिया जाए यानी कि कंप्लीट एक सिटी की बात कर ले तो एक सिटी में जो नेटवर्क चलेगा मतलब एक इसकी रेंज थोड़ी बड़ी हो जाती है, जैसे इसे हम बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यानी कि सिटी लेवल पर जो काम करता है। सिटी का मतलब होता है जैसे कि आप डिस्कनेक्शन अगर बात करें हम तो वो भी क्या हो गया, मैन हो गया। अगर एक कंपनी है जो उसकी ब्रांच सिटी में बहुत सारी जगह है तो उसमें जो नेटवर्क चलेगा उसका नाम भी क्या है, मैन हो गया यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और उसके बाद अगर बात करें तो कई बहुत सारी मतलब बहुत सारी लैन और बहुत सारे मैन मिलकर क्या बनाते हैं, एक बड़ा नेटवर्क जो कि अंतरराष्ट्रीय स्तर का नेटवर्क कहलाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, वैन बोलते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क। और अंतरराष्ट्रीय स्तर के नेटवर्क में एक और उदाहरण आता है यहां पर क्या, इंटरनेट, मतलब ये सबसे अच्छा उदाहरण है किसका, WAN यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क का। तो अब आप बोल सकते हैं इंटरनेट एक प्रकार का क्या है, नेटवर्क है जिसकी सहायता से हम विश्व में यानी विश्व बोल सकते हैं पूरे देश के जो भी है मतलब पृथ्वी के दूसरे कोने में बैठे व्यक्ति और हम दोनों आपस में आसानी से बातचीत या सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं, किसके माध्यम से, इंटरनेट। इंटरनेट एक प्रकार का वाइड एरिया नेटवर्क का उदाहरण है, ठीक है, मतलब इसे हम वेब नहीं बोलेंगे, ये एक प्रकार से इंटरनेट है और वेब पर उपलब्ध सूचनाओं का उपयोग करने में यह हमारी सहायता प्रदान हमको सहायता प्रदान करता है। तो आप समझ सकते हैं कि इंटरनेट क्या है, इंटरनेट एक प्रकार का अंतरराष्ट्रीय स्तर का नेटवर्क है जिसकी सहायता से हम सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से भेज सकते हैं। और इसका आप अगर बात करें तो इंटर और नेट दो शब्दों से मिलकर बना, मतलब एक इंटर हो गया, ठीक है, इंटर और प्लस नेट। तो इंटर का मतलब होता है अंतरराष्ट्रीय स्तर और नेट का मतलब होता है जाल। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर का जो जाल होता है यानी कि नेटवर्क होता है उसे हम क्या बोलेंगे, इंटरनेट बोलेंगे। तो आप समझ गए होंगे इंटरनेट क्या है। चलिए आगे देखते हैं, आप यहां देख सकते हैं, देखिए ये उदाहरण आप देख सकते हैं यहां पे,
ये हो गया हमारा इंटरनेट। तो इंटरनेट कैसे वर्क करता है, देखिए यहाँ देख सकते हैं हमारे कंप्यूटर में हम जब इंटरनेट चलाते हैं तो हमको किस किस चीज की जरूरत पड़ती है। एक तो कंप्यूटर हो गया, हम आगे देखेंगे रिक्वायरमेंट, और कंप्यूटर हमेशा डिजिटल सिग्नल को एक्सेप्ट करता है, तो 01 हम बात कर सकते हैं। इसके अलावा मॉडेम की अगर बात करें तो मॉडेम जो होता है फोन लाइन आकर कनेक्ट होती है, और फोन लाइन जो होती है एनालॉग सिग्नल पर वर्क करती है, और एनालॉग सिग्नल किसके समझ नियोग रहता है, हमारे समझ नियोग, और कंप्यूटर के समझ नियोग रहता है 0 और 1। तो ये सारी चीजें हम देख सकते, देखिए कंप्यूटर जो है इंटरनेट को कैसे करता वो हम आगे देखेंगे। तो इस प्रकार आप नेटवर्क को देख सकते हैं। आईएसपी के बारे में भी हम विस्तार से पढ़ेंगे। देखिए रिक्वायरमेंट की अगर बात करें हम, रिक्वायरमेंट का मतलब क्या होता है कि आप अगर एक इंटरनेट कनेक्शन लेने जाओ तो किस किस चीज की जरूरत पड़ती है उसे हम बोलेंगे रिक्वायरमेंट, आवश्यकता क्या होती है। तो सिंपल सी बात है, जो सर्विस प्रदान करेगा इंटरनेट की उसके पास आप सबसे पहले जाना चाहोगे तो उसे हम बोलेंगे आईएसपी। आईएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, मतलब इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनी है उसे हम क्या बोलेंगे आईएसपी। तो आईएसपी अगर बात करें हम तो बीएसएनएल हो सकता है, एयरटेल हो सकता है, आज की डेट में आप बात करें तो जियो हो सकता है, ये सभी क्या है, ये आईएसपी है। इनके पास हम जाएंगे किसके लिए, इंटरनेट कनेक्शन के लिए। इंटरनेट कनेक्शन के मतलब आईएसपी के बाद जाएंगे तो क्या लेंगे हम, कनेक्शन। आप कनेक्शन कैसे लेंगे, आपको पता होगा कि प्लान कौन कौन सा चल रहा है तो प्लान हमने सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद कनेक्शन लाइन, या तो आप वायरलेस ले सकते हैं या फिर वायर वाले ले सकते हैं। वायर में आपको 3 प्रकार की चीजें मिलेगी, ट्विस्टेड वायर केबल मिलेगा, कोएक्सियल केबल मिलेगा, और आज की डेट में चल रहा है बहुत ट्रेंडिंग में है फाइबर ऑप्टिक केबल, यानी कि प्रकाश तरंगों के माध्यम से वो क्या करता है, सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से, या सिग्नल्स को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ट्रांसफर कर देता है। तो हम बात करें यहाँ पे आईएसपी के बाद क्या हुआ, आईएसपी के पास हम गए तो आईएसपी से हमको कनेक्शन मिला, कनेक्शन के बाद कनेक्शन लाइन हमने क्या करे यहाँ पे ले लिए, और उसके बाद हमको जरूरत पड़ेगी मॉडेम की। देखिए मॉडेम क्या होता है, मॉडेम की अगर बात कर ले हम तो मॉडेम हम आगे विस्तार से और समझेंगे, चलिए पिछले डायग्राम में समझते हैं मॉडेम का मतलब। देखिए इंटरनेट जो होता है, इंटरनेट हम अगर यूज कर रहे हैं तो हम कंप्यूटर में यूज करेंगे, और इंटरनेट कनेक्शन कैसे आएगा, टेलीफोन लाइन से। परंतु आपने देखा होगा टेलीफोन लाइन में कैसे सिग्नल बहते हैं, एनालॉग सिग्नल, ठीक है, और हमारा कंप्यूटर समझ रहा है डिजिटल सिग्नल। तो दोनों में जो कनेक्शन है मतलब एक प्रकार से, यहां देख सकते हैं हम, देखिए मॉडेम लगा बीच में। तो मॉडेम क्या करता है, देखिए मॉडेम का मतलब अगर हम जाने तो मॉडेम जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। मॉडेम कितने शब्दों से मिलकर बना है, दो। तो कौन कौन से हो गए, एक तो हो गया एमओ और एक हो गया डीईएम, ठीक है। तो एमओ का मतलब होता है मॉड्यूलेशन, ठीक है, और डीईएम का मतलब होता है डी मॉड्यूलेशन, ठीक है। तो दोनों का मतलब हो गया मॉड्यूलेशन, और डी मॉड्यूलेशन मिलकर क्या बना है, मॉडेम बना। अब इनका मतलब समझ लेते हैं। तो मॉड्यूलेशन का मतलब क्या होता है, जैसे कंप्यूटर से डिजिटल नेटवर्क गया और मॉडेम से वो परिवर्तित होकर कहां चला जा रहा है, एनालॉग में। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं मॉड्यूलेशन। और अगर हम यहां अगर बात करें इंटरनेट का, हम यहां सूचनाओं को भेजे कहां से, इंटरनेट के माध्यम से किसी दूसरे कंप्यूटर पर, तो यहां से एनालॉग सिग्नल आया है, अब वो कहां जाएगा, डिजिटल सिग्नल में। तो एनालॉग से डिजिटल में बदलने वाली जो प्रोसेस है उस कंडीशन को हम बोलेंगे डीमॉड्यूलेशन। तो दोनों को मिलाकर क्या बना है, मॉडेम। तो ये मॉडेम का मतलब हो गया। तो मॉडेम की जरूरत हमको पड़ेगी, ठीक है। तो यहां देखिए उसके बाद हमको किसकी जरूरत पड़ रही है, देखिए यहां इंटरनेट अगर यूज करना हमको, सबसे पहले आईएसपी के पास गए हम, आईएसपी से कनेक्शन लिए, ठीक है, कनेक्शन के बाद कनेक्शन लाइन बिछ गई, फिर हमने मॉडेम का यूज किए, मॉडेम के बाद हमको पीसी की जरूरत पड़ी। पीसी की जरूरत क्यों पड़ेगी, आपको पर्सनल कंप्यूटर में ही तो आप नेट चलाओगे, तो आपको पर्सनल कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी। अब पर्सनल कंप्यूटर के बाद आपके पास में सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। सॉफ्टवेयर कौन सा होना चाहिए, पीसी हमारा कंप्लीट हो गया, सॉफ्टवेयर होना चाहिए ब्राउजर। तो ब्राउजर कौन सा होता है, ब्राउजर हो सकता है आपका क्या, गूगल क्रोम हो सकता है, ठीक है, गूगल क्रोम हो सकता है जो कि अभी चल रहा है, उसके बाद मोज़िला फायरफॉक्स हो सकता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो सकता है, या फिर सफारी हो सकता है, बहुत सारे ऐसे ब्राउजर है जो उपलब्ध होते हैं हमारे पास में, मतलब उपयोग के लिए फ्री में, तो उनको हम बोलेंगे ब्राउजर। और ये जो होते हैं किसी भी, मतलब एक तरीके से हम बोलें तो इंटरनेट पर उपलब्ध सूचनाओं को या फिर वेबसाइट को डाउनलोड करने के लिए क्या करते हैं, इनका उपयोग किया जाता है, या सूचनाओं को दिखाने के लिए ब्राउजर का उपयोग किया जाता है। अब बात कर लेते हैं सर्च इंजन की। तो सर्च इंजन होते क्या है, सर्च इंजन का मतलब होता है ब्राउजर को अगर हम ओपन करते हैं तो वहां पर एक सॉफ्टवेयर, मतलब एक प्लेटफॉर्म होता है। एक प्लेटफॉर्म अगर बात करें हम, तो प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम क्या करते हैं, कोई सूचनाओं को सर्च करते हैं, या हमारे सामने जो रिक्वेस्टेड यानी कि जो हमने रिक्वेस्ट की है सूचनाओं को, उनको लाकर जो प्रदर्शित करता है उसको हम बोलेंगे सर्च इंजन, ठीक है। जैसे कि गूगल हो गया, याहू हो गया, वेब दुनिया हो गया, लाइकस हो गया, ये सब जो है सर्च इंजन है, ठीक है। बहुत सारे सर्च इंजन है, उनके नाम हम आगे देखेंगे,
जब आगे के जो है डिटेल में हम पढ़ेंगे। फिर बात कर लेते हैं सर्च इंजन किस चीज को लाएगा, जो सूचना इंटरनेट पर होगी, और इंटरनेट पर जो सूचनाएं होती है उन्हें हम बोलते हैं वेबसाइट। तो वेबसाइट के फॉर्म में ही सारी सूचना उपलब्ध होती है और वेबसाइट मिलकर बनी होती है वेब पेज से। अब वेब पेज के बाद हम अगर देखें तो वेब पेज मिलकर बना होता है किससे, HTML टैग से, और HTML के हमारे सारे वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। टोटल आपको 8 वीडियो मिल जाएंगे HTML के। उसके बाद जो है उसको आप देख लोगे, CSS के आपको 3 वीडियो मिल जाएंगे और JavaScript का आपको कंप्लीट 1 वीडियो मिलेगा 1 घंटे का। 1 घंटे में आपका कंप्लीट JavaScript उसमें कंप्लीट किया गया है। हालांकि लेक्चर बहुत बड़ा है 1 घंटे का, परंतु 1 घंटे को आप जो है तो उसको छोटा छोटा करके देख सकते हैं, मतलब आधा आधा, दो दो, तीन तीन भाग में, मतलब आधा देख लिए आधा बाद में देख लिए, तो ऐसा आपकी सुविधा के अनुसार आप देख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इंटरनेट और इंटरनेट के बारे में। तो इंटरनेट तो आप जान चुके हैं, देखिए इंटरनेट का मतलब होता है ग्लोबल, मतलब पूरी दुनिया में जो नेटवर्क फैला हुआ है उसे हम बोलेंगे इंटरनेट। परंतु इंटरनेट का जो कार्य क्षेत्र होता है वो एक प्रकार से सीमित होता है। पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, पर्टिकुलर व्यक्ति हो गया जो अपने खुद का नेटवर्क यूज करता है उसे हम क्या बोलेंगे, इंटरनेट। तो दोनों के बारे में हम जान लेते हैं थोड़ा थोड़ा डिटेल। सबसे पहले देख लेते हैं इंटरनेट होता क्या है। तो इंटरनेट हमने जान चुके हैं कि भाई वर्ल्ड वाइड लेवल पर, यानी कि ग्लोबल लेवल पर, यानी ग्लोबल सिस्टम पे क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड रहते हैं सभी कंप्यूटर किसके माध्यम से, नेटवर्क के माध्यम से, और वो एक सेम प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है जिसका नाम होता है क्या, ये जो प्रोटोकॉल इसका नाम होता है TCP/IP। अब TCP का मतलब क्या होता है, प्रोटोकॉल हम विस्तार से बाद में पढ़ेंगे, हालांकि यहां पर TCP आ गया है तो हम नाम जान लेते हैं। TCP का मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP का मतलब होता है क्या, इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो दोनों ही एक दूसरे के क्या है, मतलब निर्भर है एक दूसरे पे। जब हम TCP का प्रयोग करेंगे, मतलब डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए नेटवर्क पर इसका यूज करते हैं। अब कहां ट्रांसमिट किया जाएगा, पर्टिकुलर कंप्यूटर पे, तो पर्टिकुलर कंप्यूटर का जो एड्रेस होता है उसे हम बोलेंगे IP एड्रेस। तो आप समझ गए होंगे IP एड्रेस कंप्यूटर का एड्रेस होता है, और ट्रांसमिशन जो होता है वो ट्रांसमिशन क्या करता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एक जगह से दूसरी जगह सूचनाओं को आदान प्रदान करता है। तो ये चीज आप समझ गए। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, प्रत्येक कंप्यूटर जो होता है एक दूसरे को आइडेंटिफाई कैसे करता है, यूनिक IP एड्रेस। यूनिक आईपी एड्रेस का मतलब होता है सभी कंप्यूटर का एक एड्रेस होता है, इसे हम बोलते हैं यूनिक आईपी एड्रेस। ठीक है, तो हम अगर यहां बात करें तो आईपी एड्रेस जो होता है यूनिक सेट ऑफ नंबर होता है। जैसे हम उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं, देखिए यहां पे हम ऐसे देख सकते हैं उसे, देखिए ये आईपी एड्रेस लिखा है। क्या होता है जब हम मोबाइल नंबर सेव करते हैं मोबाइल, मतलब मोबाइल में, तो हम नाम से सेव करते हैं, जैसे हमने राम, मोहन, श्याम, जो भी हम नाम दे दिए, परंतु बैकग्राउंड में क्या चलता है, मोबाइल नंबर चलता है। उसी प्रकार वेबसाइट में अगर हम देख रहे हैं www.sarkarstudywebs.com, तो हम यहां देखिए फील्ड कैसी टाइप कर रहे हैं, टेक्स्ट फॉर्मेट में, हालांकि बैकग्राउंड में क्या जनरेट होता है, आईपी एड्रेस। ठीक है, तो ऐसे ही कंप्यूटर में भी क्या होता है, आईपी एड्रेस ही होता है। तो यहां हम समझ सकते हैं यूनिक सेट होता है आईपी एड्रेस, जो कि कंप्यूटर की लोकेशन को बताता है, मतलब जहां पर जो डेटाबेस में रखा है या फिर कंप्यूटर उसका नाम या लोकेशन दिखाता है। फिर हम देख सकते हैं जो स्पेशल कंप्यूटर होता है उसे बोलेंगे डोमेन नेम सर्वर हम बोलेंगे, तो उसका यूज करता है, और यहाँ पर जो आईपी एड्रेस होता है वो क्या करता है, उस कंप्यूटर को लोकेट करने का काम करता है। मतलब एक प्रकार से आईपी एड्रेस के द्वारा हम कंप्यूटर को लोकेट कर सकते हैं। जैसे मेरे को किसी को सूचना भेजना है, तो मुझे अगर आईपी एड्रेस पता होगा तो मैं आसानी से उसको सूचनाएं भेज सकता हूँ। अब जो सूचनाएं होती है वो किसके फॉर्म में होती है, वेबसाइट के फॉर्म में। तो हमको पता है वेबसाइट के फॉर्म में जो आईपी एड्रेस होता है वो तो एक रहता बैकग्राउंड का, परंतु हमको दिखती वो यूनिक नेम होता है। यहाँ देख सकते हैं हम डोमेन नेम, उसको डोमेन नेम देखिए यहाँ पे HTTP, इसके बारे में हम आगे देखेंगे, अभी WW के बारे में भी देखेंगे। ये देखिए ये sarkarstudywebs.com जो लिखा है ये यूनिक एड्रेस है, मतलब वेब पर या इंटरनेट पर यूनिक एड्रेस है जो जिसके माध्यम से हम सूचनाओं को देख सकते हैं, मतलब इससे रिलेटेड। ठीक, और यहाँ पर जो होता है यूनिकली आइडेंटिफाई किया जाता है इनको एक प्रकार से, और इंटरनेट को जो है एक्सेस, मतलब प्रत्येक यूजर जो है वर्ल्ड वाइड लेवल पर कहीं भी एक्सेस कर सकता है। तो ये तो हो गया बात हो गई इंटरनेट की। अब हम जान लेते हैं थोड़ी सी जानकारी इंटरनेट की। तो इंटरनेट क्या होता है, ये भी आपस में कनेक्ट होते हैं सारे सिस्टम, परंतु आप देख सकते हैं मल्टीपल PC है, प्रत्येक एक दूसरे से कनेक्ट है छोटे लेवल पर। और यहाँ पर इंटरनेट जो होता है वर्ल्ड वाइड लेवल पर, मतलब आउटसाइड अवेलेबल नहीं होता है। ये कैसा होता है, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक कंपनी हो सकता है, कोई पर्टिकुलर व्यक्ति इसका संचालन
करता है, मतलब देख सकते, देखिए ऑर्गेनाइजेशन हो गया अपने खुद के उपयोग के लिए, उसमें जो होता है उसके मेंबर एम्प्लॉई ये सारी चीजें जो होता है सारे लोग उससे क्या कर सकते हैं, जानकारी को एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ भी प्रत्येक जो नेटवर्क होता है, देखिए यहाँ नेटवर्क है, नेटवर्क में भी प्रत्येक जो पीसी होते हैं उनका भी एक यूनिक एड्रेस होता है जिसे हम बोलते हैं आईपी एड्रेस। ठीक है, तो ये तो बात हो गई थोड़ी थोड़ी डिटेल दोनों के बारे में, आप थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं दोनों में। तो इंटरनेट की अगर बात करें हम यहाँ पे, इंटरनेट जो होता है जनरल जनरल टू पीसी ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब जो इंटरनेट होता है सारे पीसी आपस में ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या होते हैं, कनेक्ट रहते हैं, परंतु यहाँ पर इंटरनेट में कम पीसी रहते हैं, यानी कि 8-10 कंप्यूटर, 15-20-25 जितने कंप्यूटर होते हैं, परंतु इंटरनेट आप देख सकते हैं हर एक जगह पे इंटरनेट, मतलब जो इंटरनेट है हर एक जगह पे वहां कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट है। तो बड़ा एरिया किसका रहता है, इंटरनेट का, और छोटा एरिया किसका रहता है, इंटरनेट का। ठीक है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। फिर इंटरनेट प्रोवाइड्स अ वाइडर एंड बेटर एक्सेस टू वेबसाइट टू लार्ज पॉपुलेशन, मतलब बहुत सारे लोग जो है इसको एक्सेस कर सकते हैं, परंतु या फिर बहुत सारी वेबसाइट को हम उसमें एक्सेस कर सकते हैं, परंतु यहाँ हम इंटरनेट की अगर बात करते हैं यहाँ रिस्ट्रिक्ट रहता है, पाबंदी रहती है, यहाँ पर हम इस प्रकार का काम ज्यादा नहीं कर सकते। इंटरनेट जो है सेफ नहीं है एक तरीके से, मतलब वहां जानकारी चोरी होने का डर हो सकता है या फिर बहुत सारे खतरे हो सकते हैं, ठीक है, हैकिंग वगैरह जो भी, परंतु इसके हिसाब से अगर देखें तो ये जो इंटरनेट होता है वो प्राइवेट नेटवर्क होता है, तो इसके हिसाब से ये काफी सुरक्षित माना जाता है। तो ये तो थोड़ा सा डिफरेंस हो गया, आप दोनों के बारे में जान लिए और इनके बारे में थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ जान लिए। अब बात करते हैं आईएसपी की। ठीक है, आईएसपी के बारे में वैसे हम जान चुके हैं थोड़ी बहुत डिटेल, हम यहाँ पर उसको विस्तार से जानेंगे। तो यहाँ देखिए आईएसपी का पूरा नाम क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, वह है कंपनी जो हमको इंटरनेट एक्सेस करने का ऑफर प्रदान करती है, हमको इंटरनेट एक्सेस करने की सर्विस प्रोवाइड करती है, या इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनी, इसे हम क्या बोलेंगे, आईएसपी। और आईएसपी हमको कौन कौन सी सर्विसेज प्रदान करती है, देखिए इंटरनेट एक्सेस की सर्विस प्रदान करती है, डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन की सर्विस प्रदान करती है। डोमेन नेम का मतलब क्या होता है, अगर मान लो मैं अपनी इंफॉर्मेशन को वेब पर सबको प्रदर्शित कराना चाहता हूं तो मेरा एक यूनिक नाम होगा, तो उसे हम बोलेंगे डोमेन नेम, और डोमेन नेम को रजिस्टर कराने की जो प्रोसेस है उसे हम बोलेंगे डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन। ठीक है, डोमेन नेम को रजिस्टर कराना मतलब डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन। ठीक, अब डायल अप एक्सेस का मतलब क्या होता है, आप डायल करके भी जो है नेट को चला सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं डायल अप कनेक्शन। हालांकि पहले हम उसी का प्रयोग करते थे और ओल्ड टेक्नोलॉजी होने के कारण आज की डेट में हम एडवांस हो गए हैं। तो डायल अप एक्सेस क्या है, डायल अप कनेक्शन, बार बार टेलीफोन से हमको एक नंबर डायल करना पड़ता है और जैसे ही वो रिसीव हो जाता है तो हमारे कंप्यूटर में नेट चालू हो जाता है। लीज लाइन का मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई कंपनी अपना खुद का नेटवर्क, मतलब अपने नेटवर्क को अपना जो है खरीद लेते एक तरीके से कुछ समय के लिए, निश्चित समय के लिए, या पट्टे पे लेना बोल सकते हैं हम, तो उसे हम बोलेंगे लीज लाइन एक्सेस। तो ये सारी सुविधाएं कौन प्रदान करता है, आईएसपी के द्वारा ये प्रदान की जाती है। इसके अलावा आईएसपी के अगर प्रकार आपसे पूछा जाए तो आईएसपी के प्रकार बहुत सारे हो सकते हैं, मतलब वो क्या क्या काम करती है उसके काम के अनुसार वहां पर प्रकार इनके बना दिए गए हैं। तो पहला जो प्रकार है एक्सेस प्रोवाइडर, मतलब हम अगर इंटरनेट को एक्सेस करना चाहें तो हमको एक्सेस कौन कौन प्रोवाइड कर सकता है, तो आप देख सकते हैं सिंपली क्या कर सकते हैं आप, इंटरनेट जो है टेलीफोन के माध्यम से आपको मिल सकता है, टेलीफोन लाइन के माध्यम से, केबल के माध्यम से मिल सकता है, इसके अलावा वाईफाई के माध्यम से मिल सकता है, और आज की टेक्निक क्या चल रही है, फाइबर ऑप्टिक केबल। तो ये सभी चीजों के माध्यम से आपको आईएसपी क्या करता है, इंटरनेट को एक्सेस करने की सुविधा प्रदान करता है। फिर बात करते हैं मेल बॉक्स प्रोवाइडर, मेल बॉक्स प्रोवाइड करता है मतलब हम हमारा जो है मेल जो मैसेज होते हैं उसको होस्ट कर सकते हैं, यानी कि सर्विस जो रहती है उसकी होस्टिंग की। होस्टिंग का मतलब क्या होता है, ऐसी जगह जहां पर सर्वर पर हमारे जो डाटा है उसको रखने की जो जगह मिलती है उसे बोलते हैं होस्टिंग, और होस्टिंग का चार्ज लगता है। अब वो उसके अनुसार है, कैपेसिटी के अनुसार, कि 1 GB आप ले रहे हैं, 2 GB ले रहे हैं, 10 GB ले रहे हैं, 15 GB ले रहे हैं, तो उसके अनुसार यहाँ चार्जेस लगते हैं। हालांकि कुछ कंपनी जो है अभी भी फ्री, जैसे कि जीमेल हो गया, याहू हो गया, ये सब जो है फ्री प्रोवाइड करते हैं 15 GB तक का स्पेस मेल बॉक्स। ठीक, अब यहां देखें होस्टिंग आईएसपी, मतलब होस्टिंग चार्ज बोले अभी बोला मैंने कि भाई अगर आपको अपनी डेटा को सर्वर पर रखना है तो आपको वहां पे जगह लेना पड़ता है, उसी जगह को बोलते हैं क्या, होस्टिंग। मान लीजिए ये सर्वर है और सर्वर पर आपने इतनी जगह ली है तो इसको हम होस्टिंग बोलेंगे। ठीक,
इसके अलावा आप देख सकते हैं वर्चुअल आईएसपी। वर्चुअल आईएसपी क्या है, ये ऑफर करती है, मतलब ये हमको सुविधा किस चीज की देती है कि इंटरनेट एक्सेस वाया अदर आईएसपी, मतलब हमारे जो आईएसपी है एक सर्विस प्रोवाइडर है। उसके अलावा आप अगर चाहते हैं कि अदर आईएसपी से भी इंटरनेट की सर्विस प्रदान करना चाहते हैं तो ये वर्चुअल आईएसपी प्रदान करती है। यहाँ पे फ्री आईएसपी क्या करती है, ये फ्री जो होता है इसमें चार्ज नहीं लगता है, इसमें बहुत सारी फैसिलिटी फ्री में प्रदान की जाती है। तो ये हो गए आईएसपी के प्रकार। अब बात कर लेते हैं कनेक्शन के प्रकार। कनेक्शन यानी कि कनेक्टिविटी क्या होती है, तो उसके प्रकार हम देख सकते हैं, देखिए कौन कौन से हैं। एक तो हो गया डायलअप कनेक्शन, हम आगे विस्तार से देख रहे हैं इसके बारे में। फिर हो गया आईएसडीएन। आईएसडीएन का मतलब क्या होता है, इंटरनेट इंटीग्रेटेड सर्विसेस डिजिटल नेटवर्क, ठीक है, तो इसके बारे में हम आगे देखेंगे। इसके अलावा आप देख सकते हैं डीएसएल। डीएसएल का मतलब क्या होता है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे केबल टीवी इंटरनेट कनेक्शन, नेक्स्ट सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्शन और लास्ट जो है वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन। तो इन सभी के बारे में, ये किसके प्रकार है, ये कनेक्टिविटी यानी कि कनेक्शन के प्रकार है और इनके बारे में हम एक एक करके विस्तार से देखते हैं। तो सबसे पहला जो नेटवर्क है हमारा, मतलब कनेक्शन का प्रकार है डायलअप कनेक्शन। तो डायलअप कनेक्शन क्या होता है, इसमें सिंपली क्या करते हैं, डायलअप कनेक्शन टेलीफोन लाइन के माध्यम से जो पीसी होते हैं इंटरनेट का एक्सेस करते हैं, तो यहाँ पे मॉडेम की जरूरत पड़ती है और मॉडेम के माध्यम से ही हम डायलअप कनेक्शन को सेटअप कर पाते हैं। और जो मॉडेम होता है, मॉडेम क्या होता है, इंटरफेस एक प्रकार से किसके मध्य रहता है, पीसी और कनेक्शन लाइन, मतलब इनके मध्य जो है इंटरफेस कराने का काम करता है कौन, मॉडेम। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मॉडेम होता है एक प्रकार से मीडिएटर का काम कर रहा है और इसी के माध्यम से हम डायलअप कनेक्शन के यूज कर पाते हैं। अब डायलअप कनेक्शन क्या होता है आपको पता होना चाहिए, एक आईएसपी, मतलब आईएसपी हमने देखे हैं, आईएसपी से हमको एक नंबर प्रदान कर दिया जाता है, उस नंबर को हम क्या करते हैं, हर बार डायल करते हैं और रिक्वेस्ट कहाँ जाती है, आईएसपी में, वहां से उसको एक्सेस किया जाता है और हमारे कंप्यूटर में नेट एक्सेस कर लिया जाता है यानी कि चालू हो जाता है। तो ऐसे ही हम जब भी नेट चलाना है तो हमको बार बार क्या करना पड़ता है, डायल करना पड़ता है एक नंबर को, तो उसे ही हम क्या बोलेंगे, डायलअप कनेक्शन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डायलअप कनेक्शन को। इसके बाद है आईएसडीएन। तो आईएसडीएन जो होता है एक प्रकार से जब मॉडेम होता है, मॉडेम के बदले में यहाँ पे आईएसडीएन एडाप्टर का उपयोग किया जाता है। तो इसका मतलब क्या है, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। तो ये क्या करता है, इट एस्टेब्लिश्ड द कनेक्शन यूजिंग द फोन लाइन विच कैरी डिजिटल सिग्नल इंस्टेंट ऑफ एनालॉग सिग्नल। तो यहाँ सिंपली क्या बात की जा रही है कि यहाँ पे अगर आपको एनालॉग सिग्नल मिलता था, पीछे जाकर देखो, जो हमारा मतलब पीछे हम देखें तो यहाँ पे आपको एनालॉग सिग्नल मिल रहा है यहाँ पे टेलीफोन लाइन में, परंतु यहाँ आप अगर जाकर देख रहे हैं तो यहाँ आपको मिल रहा है डिजिटल सिग्नल, जो लोकल टेलीफोन लाइन है वहां पे आपको इसके माध्यम से, मतलब ये अडाप्टर के माध्यम से डिजिटल जो सिग्नल है वो मिल रहा है। तो इसके माध्यम से क्या कर सकते हैं, हाई क्वालिटी की वीडियो, हाई क्वालिटी की इमेजेस, जो भी डिजिटल चीजें सूचना है, ये आसानी से एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं आईएसडीएन के माध्यम से, ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। फिर आगे देखें तो डीएसएल, ये भी एक प्रकार का ब्रॉडबैंड कनेक्शन है, यानी कि इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, डीएसएल, परंतु इसका पूरा नाम है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ठीक। तो ये जो है एक प्रकार का ब्रॉडबैंड कनेक्शन है जो क्या करता है, नॉन मतलब ऑर्डिनरी टेलीफोन लाइन के माध्यम से कनेक्ट रहता है। तो टेलीफोन लाइन हम देख सकते हैं, देखिए ये देख सकते हैं हम यहाँ पे डीएसएल का मॉडेम लगा है और यहाँ पे इंटरनेट एक्सेस हो रहा है किसके माध्यम से, ब्रॉडबैंड कनेक्शन टाइप का है एक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। अब आगे देखें केबल टीवी इंटरनेट कनेक्शन। तो केबल टीवी इंटरनेट कनेक्शन क्या होता है, आपने देखा होगा जब आप सेटअप बॉक्स के माध्यम से टीवी कनेक्ट करते हैं तो आपके पास में एक वायर रहता है। तो वायर कैसा रहता है, बहुत एक प्रकार से मोटा रहता है, उसके अंदर आपको एक सिल्वर कलर का तार मिलेगा, उसके बाद आपको फिर प्लास्टिक का गोल मतलब राउंड जो है लीड वो मिलेगी, उसके अंदर आप एक कॉपर यानी कि तांबे का तार मिलेगा। तो इस प्रकार से वो वायर बना रहता है बहुत मोटा। तो उसी केबल के माध्यम से हम क्या करते हैं, टेबल जो मतलब जो केबल है, केबल के माध्यम से टीवी चला सकते हैं, इंटरनेट कनेक्शन जो भी है हम इसको एक्सेस कर सकते हैं किसके माध्यम से, कोएक्सियल केबल, इसे ही हम क्या बोलते हैं, केबल टीवी इंटरनेट कनेक्शन। और यहाँ आप देख सकते हैं इंटरनेट हर जगह है, आईएसपी भी रहेगा, आईएसपी क्या करेगा, इसको सर्विस प्रदान करने का काम करेगा। फिर देख सकते हैं सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्शन। सैटेलाइट का मतलब क्या होता है, उपग्रह। तो उपग्रह जो होते हैं संचार के लिए बहुत सारे उपग्रह बनाए जाते हैं, तो उन्हीं के माध्यम से क्या करते हैं हम संचार प्रणाली को मतलब यहाँ पे और अधिक डेवलप करते हैं और उसी के माध्यम से यहाँ पे एक जगह दूसरी जगह सूचनाओं को आदान प्रदान किया जा सकता है। कैसे, ये छतरी टाइप का दिखता है आपको, देखिए ये
नेटवर्क को एक्सेस करने का काम करता है। ये जो होता है सीधे सैटेलाइट से कनेक्ट रहता है और यहाँ से सूचनाएं क्या होती है यहाँ जाती है और यहाँ से आकर इधर चली जाती है और वहां से नीचे आकर क्या करती है कंप्यूटर में यहाँ पे चली जाती है। जैसे मान लीजिए यहाँ वेब सर्वर रखा हुआ है और हमको यहाँ से कोई चीज एक्सेस करना है तो हमने डिस जो डिस होती है डिस के माध्यम से यहाँ रिक्वेस्ट भेजे, रिक्वेस्ट इधर से यहाँ गई और यहाँ से सूचना आकर फिर वापस आकर क्लाइंट के पास में चली गई। तो हाई स्पीड कनेक्शन होता है एक प्रकार से, क्योंकि आपको पता होगा देखिए बिना बाधा के ना तो वहां पर सैटेलाइट होता है तो वहां तो ऐसी दिक्कत नहीं है कि नेटवर्क नहीं मिलता होगा। तो सैटेलाइट जो होता है यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है हाई स्पीड का। फिर जो है नेक्स्ट वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन। तो वायरलेस का मतलब होता है वायर का मतलब होता है जैसे वायर वाला, और वायरलेस यानी कि वायर नहीं मिलेगा। तो बिना तरंगों के माध्यम से यानी कि फ्रीक्वेंसी के माध्यम से जो रेडियो फ्रीक्वेंसी होती है उसके माध्यम से क्या करना है यहाँ पे नेट एक्सेस करना कहलाता है वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन। मतलब यहाँ पे है कि इंटरनेट जो है इंटरनेट कनेक्शन मेक्स यूज ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी बैंड्स टू कनेक्ट द इंटरनेट एंड ऑफर अ वेरी हाई स्पीड। मतलब एक प्रकार से जो है यहाँ पे रेडियो फ्रिक्वेंसी के माध्यम से क्या करता है इंटरनेट एक्सेस करने की सुविधा हमको प्रदान करता है और बहुत सारी मतलब बहुत ज्यादा स्पीड को ये प्रदान करता है। द वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन कैन बी ऑब्टेन बाय अदर, मतलब आइदर वाईफाई, या तो वाईफाई हो सकता है या ब्लूटूथ हो सकता है। आप देख सकते हैं देखिए वाईफाई लैपटॉप में आपने देखा होगा इनबिल्ट रहता है, परंतु हमको अगर पीसी यानी डेस्कटॉप पे अगर चलाता है तो आपको यूएसबी वाला जो एडाप्टर है एक रहती है पेन ड्राइव टाइप की, तो उसको आप लगाओगे तो यहाँ आप इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। किसके माध्यम से? ये डिब्बी के माध्यम से, मतलब ये जो यूएसबी थंब टाइप का एक पेन ड्राइव टाइप की रहती है डिवाइस, उसके माध्यम से आप यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन यूज कर सकते हैं या ब्लूटूथ के माध्यम से या फिर वाईफाई के माध्यम से। ठीक, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट हमारे प्रकार होगा कनेक्शन की, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे वीसेट। तो यहाँ देख सकते हैं आप, देखिए बहुत सारे जो हमारे भारत में देखे होंगे या जहां भी बहुत सारे पहाड़ी इलाके होते हैं जहां पर दूर दराज में नेटवर्क या इंटरनेट एक्सेस कर पाना बहुत मुश्किल होता है, तो उन्हीं क्षेत्रों के लिए क्या करना है यहाँ सैटेलाइट के माध्यम से या डिश के माध्यम से क्या करना है इंटरनेट को यहाँ सेवा प्रदान करना, ये कहलाता है वीसेट। और वीसेट का पूरा नाम होता है वेरी स्मॉल एपर्चर टर्मिनल। तो आप यहाँ देख सकते हैं देखिए सैटेलाइट के माध्यम से जो टावर होते हैं, टावर आप देख सकते हैं टावर ऐसे होते हैं, ये नेटवर्क को एक्सेस करते हैं और यहाँ से यहाँ डिश में जाता है और डिश से वहां पर एक्सेस कर लिया जाता है। तो दूर दराज के जो एरिया है वहां पर आसानी से इंटरनेट कनेक्शन को प्रदान करना या इंटरनेट को एक्सेस करने की सुविधा प्रदान करना कहलाता है वीसेट, और इसका फुल फॉर्म आप याद रख लीजिए वेरी स्मॉल एपर्चर टर्मिनल। ठीक है, फिर बात करते हैं यूआरएल की। तो यूआरएल का मतलब क्या होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, पूरा नाम क्या हो गया इसका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, शॉर्ट में हम बोल सकते हैं यूआरएल। ठीक, तो एवरी डॉक्यूमेंट जो होता है जो मतलब प्रत्येक डॉक्यूमेंट होता है जो वेब में होता है वो एक यूनिक एड्रेस में होता है, और जो एड्रेस होता है वो जहां हम टाइप करते हैं मतलब जिस एड्रेस को हम टाइप करते हैं वो कहलाता है यूआरएल। कैसे? ये मान लीजिए www. यहां हम देख सकते हैं सरकार स्टडी वेब्स .com, तो ये जो एड्रेस है कंप्लीट ये कहलाएगा यूआरएल। इसके बारे में हम जानेंगे कौन कौन सी चीजों से मिलकर बना है। तो ये कंप्लीट जो वेबसाइट का नाम लिखते हैं आप उसे हम क्या बोलेंगे यूआरएल, और ये यूनिक रूप से क्या होता है वेब में स्टोर होता है और वहां से हम जानकारी हमको मिल जाती है। तो सेवरल HTML XML टैग्स इंक्लूड्स अ यूआरएल एट्रीब्यूट वैल्यू इंक्लूड हाइपरलिंक इनलाइन इमेज एंड फॉर्म्स, मतलब सभी जो एट्रीब्यूट होते हैं कौन कौन से आप वैल्यू देख सकते हैं, हाइपरलिंक देख सकते हैं, इमेज देख सकते हैं, इनलाइन इमेज, फॉर्म, ये सारी चीज जो होती है सभी चीजें कहाँ मिलेगी यूआरएल के माध्यम से ही हमको प्राप्त होगी। ठीक है, जो किसके फॉर्म में होती है तो HTML के फॉर्म में होगी या XHTML के फॉर्म में, यानी कि एक्सटेंसिबल HTML मतलब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज या फिर ओनली हाइपर टेक्स्ट मार्कअप, इस फॉर्म में मिलेगी जिसमें क्या क्या चीजें मिलेगी हमको हाइपरलिंक भी मिल सकती है, इमेज भी मिल सकती है, फॉर्म भी मिल सकते हैं, तो सारी चीजें मिलती है यूआरएल में। All of them use the same syntax to specify the location of the web resource regardless of the type or content of that resources. ठीक है, सभी resources कहाँ मिलते हैं हमको इसी के अंतर्गत, मतलब URL से ही हम सारे resources को ढूंढ सकते हैं, और यहाँ पे इसे हम इसलिए बोलते हैं uniform resource लोकेटर, मतलब सारी चीजें कॉमन रूप से वहां पे मिल जाती है। और जो यहाँ पे देख सकते हैं हम, देखिए इन्फॉर्मेशन को ढूंढना है तो हम वेब पे जो वेब ब्राउजर होता है तो वेब ब्राउजर में ही हम क्या कर सकते हैं सारी चीजों को यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, मतलब वेब ब्राउजर के माध्यम से ही हम यूआरएल जो बॉक्स होता है उसमें किसी भी चीज का एड्रेस अगर टाइप करोगे आप तो क्या होगा वो सर्च करके हमारे सामने लेकर आ जाएगा।
इसके अलावा यहाँ हम देख सकते हैं, देखिए यूआरएल का जो पूरा नाम लिखा है, तो हम इसे बोलेंगे एक प्रकार से क्या, ये है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल एक रूल्स होता है, मतलब इंटरनेट पर अगर सूचना हमको भेजना, प्राप्त करना है, कोई भी एक्टिविटी करना है, तो हर चीज के लिए एक रूल्स होता है, उस रूल्स को ही हम बोलेंगे प्रोटोकॉल। तो HTTP का पूरा नाम क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। पूरा नाम याद रख लीजिए, डबल हमने लगाए क्या डॉट और स्लैश लगाए और उसके बाद ये WWW लिखे। तो WWW क्या है? ये एक सब डोमेन है, एक प्रकार से हम बोल सकते हैं वर्ल्ड वाइड वेब, इसके बारे में हम देखेंगे आगे। तो एक प्रकार से ये डेटाबेस होता है, जितनी भी सूचनाएं होती है इंटरनेट पर, मतलब वेब में, वो सारी चीजें यहीं पर होती है। तो एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का डेटाबेस हम इसे बोल सकते हैं, जहां पर सारी सूचनाएं होती है। तो आप बिना WWW के कोई भी वेबसाइट यहां पर आपको नहीं दिखती है। और ये जो दिख रहा है आपको ये वाले कलर में, यहां से लेकर यहां तक, ये कहलाता है डोमेन नेम। ठीक है, तो डोमेन नेम जो होता है, एक यूनिक एड्रेस होता है वेब पर, जिसके माध्यम से हम सूचनाओं को सर्च कर सकते हैं, मतलब किसी व्यक्ति की। तो ये हो गया हमारा डोमेन नेम, और ये यूनिक होता है, यूनिक यानी कि इसके जैसा कोई दूसरे को नहीं मिलेगा। ठीक है, और ये होता है कंट्री डोमेन। कंट्री डोमेन का मतलब क्या होता है, सॉरी कंट्री डोमेन नहीं, एक्सटेंशन होता है। एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है? एक्सटेंशन का मतलब होता है कि वो किस टाइप का, जैसे सरकार studybase.com ये कमर्शियल है, या फिर हम बोल सकते हैं .edu, या फिर बोल सकते हैं .co.in, या फिर बोल सकते हैं .gov गवर्नमेंट साइट की। तो ये सारी चीजें क्या है, ये एक्सटेंशन है। उसके अलावा एक और लगा रहता है लास्ट में in, या फिर हम बोल सकते हैं .pk, या फिर बोल सकते हैं हम .uk, या फिर बोल सकते हैं .ca। तो ये सब जो है कंट्री डोमेन है। .in हो गया इंडिया का, पीके हो गया पाकिस्तान का, यूके हो गया यूनाइटेड किंगडम, सीए हो गया कहाँ का, कनाडा का। तो ये लास्ट में लगा रहता है। तो ये कंप्लीट मिलाकर हमारा बनता है URL। ठीक है, जो कंप्लीट वेबसाइट का एड्रेस होता है। इसके बाद भी अगर स्लैश लगा दिया जाए तो वेब पेज के एड्रेस आ जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं वेब पोर्टल क्या होता है। तो वेब पोर्टल की अगर बात करें तो वेब पोर्टल हम देख सकते हैं सेम एज वेबसाइट के तरीके से इनको डिजाइन किया जाता है, परंतु हम अगर बात करें तो एक ही जगह पर सारी सुविधाएं मिल जाती है। कैसे? मान लो एक वेबसाइट है, वेबसाइट में सारी जो अदर वेबसाइट है, कीमती वेबसाइट, उनके लिंक जुड़े हुए हैं। तो वहां अगर हम इस वेबसाइट को अगर खोल लेते हैं सेंटर पॉइंट पर, तो हम उस वेबसाइट से सारी जो वेबसाइट है अदर वाली, उस पर जा सकते हैं। तो ऐसी वेबसाइट को हम बोलेंगे वेब पोर्टल। तो देखिए यहाँ पर जो MP ऑनलाइन है, मध्य प्रदेश सरकार का जो ऑनलाइन पोर्टल है, वो उसमें हम अगर देखें तो सारे जो विश्वविद्यालय है उसके नाम, मतलब एक प्रकार से उनकी लिंक होती है, या फिर हम इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना तो वहां पर उसकी लिंक होती है, कोई फॉर्म भरना है मतलब कोई भी वैकेंसी का, तो वहां पर उसकी लिंक होती है। तो सारी चीजें हमको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाती है, तो इस प्लेटफॉर्म को हम क्या बोलेंगे, वेब पोर्टल। तो आप समझ गए होंगे वेब पोर्टल किसे बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट के जो एप्लीकेशंस होते हैं यानी कि अनुप्रयोग होते हैं या प्रयोग होते हैं, वो कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहली अगर बात करें तो इंटरनेट का उपयोग होता है कम्युनिकेशन करने के लिए। एक जगह से दूसरी जगह अगर हमको किसी से कम्युनिकेशन करना था, हमको सहायता किसके लेना पड़ेगा, इंटरनेट की। सेकेंड अगर बात करें तो जॉब सर्च करने के लिए, तो आज की डेट में आप देख सकते हैं कोई भी वैकेंसी है, जॉब सर्च करना तो आपको इंटरनेट की जरूरत पड़ती है। फिर देख सकते हैं फाइंडिंग बुक्स एंड स्टडी मटेरियल, आप बुक्स को फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि आज की डेट में अगर देखें तो कोई भी व्यक्ति यहाँ पर ऑनलाइन पढ़ सकता है, स्टडी मटेरियल को यहाँ पर सर्च कर सकता है। फिर देख सकते हैं यहाँ पर हेल्थ एंड मेडिसिन, मेडिसिन और हेल्थ से रिलेटेड भी यहाँ पर सारी चीजें डिस्कशन या फिर जो भी है ट्यूटोरियल, उसके अलावा हम सारी चीजें इससे पढ़ सकते हैं, मतलब सहायता ले सकते हैं हेल्थ से रिलेटेड या मेडिसिन से रिलेटेड। ट्रेवल, आपको कोई टिकट बुक कराना है या फिर ट्रेवल से रिलेटेड आपको टाइमिंग देखना है, ऑनलाइन टिकट बुक करवाना, सारी चीजें कहाँ से जाती है, इंटरनेट के माध्यम से। एंटरटेनमेंट, मूवी देखना, गेम खेलना या जो भी चीजें हमारी एंटरटेनमेंट से रिलेटेड है, वो सब हमको कहाँ मिल जाती है, इंटरनेट से। ऑनलाइन शॉपिंग करना आपको, तो भी इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा आप स्टॉक मार्केट से रिलेटेड भी अगर जानकारी चाहते हैं, अपडेट चाहते हैं, तो इंटरनेट की जरूरत पड़ती है। किसी प्रकार का रिसर्च करना है तो भी इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी। बिजनेस में खास करके इंटरनेट की जरूरत पड़ती है, ऑनलाइन पेमेंट हो गया, रिसीव करना हो गया, या जो भी चीजें होती है, वो सब इंटरनेट के माध्यम से आज की डेट में होने लगी है। तो ये हो गया 10 क्या हो गया, एप्लीकेशन हो गए। अब आगे बढ़ते हैं, हम ईमेल के बारे में बात कर लेते हैं। ईमेल होता क्या है? ईमेल का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, और मेल का मतलब होता है मैसेज, मतलब एक प्रकार से वो
पोस्ट ऑफिस के तरीके से हम ले सकते हैं कि मेल मतलब मैसेज होता है, और हम जो भेजते थे नॉर्मली बेसिक परंपरागत तरीके से उसे पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भेजते थे, परंतु अब बात आ गई इलेक्ट्रॉनिक मेल की। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल होता क्या है, अगर हम किसी मैसेज को कंप्यूटर की सहायता से इंटरनेट का प्रयोग करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकते हैं तो उसे हम बोलते हैं ईमेल। और ईमेल एक प्रकार से क्या है, सर्विस है जो अलाउ करती है मैसेज को सेंड करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक तरीके से इंटरनेट का उपयोग करके एक जगह से दूसरी जगह, मतलब इंटरनेट का उपयोग करके हम सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकते हैं तो उसे हम बोलेंगे ईमेल। और ये एक प्रकार से बहुत इफिशियंट होता है, एक्सपेंसिव होता है, मतलब एक प्रकार से भरोसेमंद भी होता है और खर्चे इससे खर्चा भी कम आ जाता है। रियल टाइम ये डिस्ट्रीब्यूट कर देता है इंफॉर्मेशन को, तो बहुत सारी जो वेबसाइट है वो फ्री में देती है हमको, जैसे हम यहाँ देख सकते हैं ये माइक्रोसॉफ्ट का है आउटलुक एक्सप्रेस, इसके अलावा जीमेल हम देख सकते हैं, गूगल का है याहू, ये जो है फ्री में सर्विस हमको प्रदान करती है कौन सी ईमेल की। और हम जो है इसमें तो हम ओवरव्यू देख रहे हैं सारी चीजों का, हम विस्तार से पढ़ेंगे ईमेल को तो हम सारी चीजें उसमें देखेंगे। ईमेल आईडी कैसे बनाते हैं, ईमेल अकाउंट जो है उसको मतलब एक प्रकार से उसकी सेटिंग सारी चीजें के बारे में देखेंगे, ईमेल कैसे क्रिएट करते हैं और उसके अलावा भेजते कैसे हैं, आए हुए मैसेज कैसे पढ़ते हैं, डिलीट कैसे, सारी चीजें डिलीट किए हुए मेल कैसे लाते हैं, सारी चीजों के बारे में अलग से वीडियो बनाए जाएंगे। ईमेल एड्रेस की अगर बात करें तो ईमेल एड्रेस जो होता है बहुत सारी चीजें उसमें लिखवाना होता है, जैसे कि हमने देखे थे यूआरएल, तो यूआरएल जो होता है बहुत सारी चीजों मतलब अलग अलग पार्ट से मिलकर बना होता है, परंतु यहाँ ईमेल की अगर बात करें तो वो भी उसी प्रकार से कुछ वर्क करता है, मतलब वेबसाइट जो होती है वेबसाइट के अंतर्गत ईमेल वर्क करते हैं। तो यहाँ देखिए यहाँ पे अगर बात करें हम, ईच यूजर ऑफ ईमेल इज असाइंड अ यूनिक नेम, मतलब प्रत्येक यूजर को ईमेल के रूप में अगर उसको ईमेल बनाना है तो उसे यूनिक नेम प्रदान किया जाता है, ठीक है। और दिस नेम इज नोन एज ईमेल एड्रेस, मतलब इसी यूनिक नेम को हम क्या बोलेंगे, ईमेल एड्रेस बोलेंगे। और यहाँ अगर बात करें हम तो डिफरेंट यूजर कैन सेंड एंड रिसीव मैसेज अकॉर्डिंग टू द ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस के माध्यम से ही एक यूजर दूसरे यूजर को आसानी से मैसेज को भेज सकता है और मैसेज को प्राप्त कर सकता है। अगर बात करें हम ईमेल की तो ईमेल यहाँ पर देख सकते, देखिए यूजर नेम होता है, एट द रेट का साइन होता है, डोमेन नेम होता है। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें तो mission178@sarkarstudywebs.com, तो इसके अंतर्गत जो है हमारी वेबसाइट के अंतर्गत हमारे डोमेन नेम के अंतर्गत हमको मेल की फैसिलिटी है, हम 10 ईमेल उसका उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कुछ ईमेल होता है। तो इसमें जो होता है mission178 एक प्रकार से क्या है, यूजर नेम है, इसके बाद एट द रेट का निशान लगा है तो वो लगाना पड़ेगा, और सरकार स्टडी वेब्स जो है डोमेन नेम है, ठीक, ये आप देख भी सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट बात करते हैं ईमेल मैसेज के कंपोनेंट, मतलब ईमेल जो है उसके कंपोनेंट क्या क्या हो सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं, देखिए ईमेल हेडर होता है, ग्रीटिंग होता है, टेक्स्ट होता है, सिग्नेचर होता है। तो ईमेल हेडर की अगर बात करें तो ईमेल हेडर में क्या होते हैं, देखिए ईमेल हेडर में होते हैं 2CC BCC, इसके अलावा फोटो एंड डॉक्यूमेंट, और यहाँ पे डेट भी होती है। डेट कब आती है, डेट सेंड करने के बाद आती है, अगर आप मैसेज सेंड कर दो तो डेट शो हो जाती है। अब टू क्या होता है, टू का मतलब होता है जिसको हमको भेजना, सीसी मतलब उसकी कार्बन कॉपी जिसको भेजना है उसका, और बीसीसी मतलब इन दोनों को ना पता चले ऐसे व्यक्ति को अगर भेजना है तो आपको क्या देना पड़ेगा, बीसीसी यानी कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी, और ये सब्जेक्ट दे दो। सब्जेक्ट क्या हो गया भाई, जिस चीज को आप भेज रहे हैं उससे रिलेटेड यहाँ सब्जेक्ट आप टाइप करोगे। ये हो गया ग्रीटिंग, हेलो सर, गुड मॉर्निंग, जो भी हम लिखते हैं यहाँ पे सम्मानजनक शब्द उसे हम बोलेंगे ग्रीटिंग, और ये हो गया टेक्स्ट, इसके बाद ये हो गया आपका सिग्नेचर। सिग्नेचर का मतलब क्या होता है, ये आपकी पहचान होती है, मतलब आपको नाम नहीं लिखना है, आपको ना कुछ बताना नहीं है, तो ये देखकर सामने वाला व्यक्ति समझ जाता है कि किससे किसने मेल भेजा है। इसके अलावा अटैचमेंट आप करोगे तो इस प्रकार से कुछ देखेगा, अटैचमेंट कहाँ से करते हैं, ये वाली बटन से करते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, कोई लिंक को एम्बेड कर सकते हैं, स्माइलीज ऐड कर सकते हैं, गूगल ड्राइव में अगर सेंड करना है ये मैसेज को तो बोल जोड़ सकते हैं, पिक्चर हो गया, लॉक करना, इसके अलावा आप यहाँ से इस मैसेज को डिलीट कर सकते हैं। अगर आप बिना सेंड करे इसको बंद करते हैं तो वो कहाँ चला जाएगा मैसेज कहाँ चला जाएगा, आपको ध्यान में रखने की बनती है, ड्राफ्ट में चला जाएगा, ठीक है। और ये सारी चीज होने के बाद आप मैसेज को सेंड कर सकते हैं। तो ये हो गया मैसेज के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। अब नेक्स्ट जो है हमारा ऑनलाइन चैटिंग, ऑनलाइन चैटिंग क्या होती है, देखिए इंटरनेट के माध्यम से दो व्यक्ति आपस में क्या कर सकते हैं, दो से ज्यादा भी होते हैं, टेक्स्ट बेस्ड कम्युनिकेशन करते हैं, और वो क्या होता है मतलब रियल टाइम होता है एक तरीके से। यहाँ देखो ऑनलाइन चैटिंग जो होता है इज अ टेक्स्ट बेस्ड कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर पीपल, मतलब दो से अधिक व्यक्ति अगर ऑनलाइन जो होता है टेक्स्ट मैसेज करते हैं नेटवर्क के माध्यम से उसे हम क्या बोलेंगे, ऑनलाइन चैटिंग। और इन दिस द टेक्स्ट मैसेज इज डिलीवर्ड
इन रियल टाइम जो टेक्स्ट मैसेज होता है, जैसे कि मैं आपको या किसी को भी, मेरे पास जिसका नंबर सेव है उनको अगर मैसेज भेजू तो तुरंत वो डिलीवर होता है, तो इसे बोलते हैं रियल टाइम। ठीक है, इमीडिएट मतलब तुरंत रिस्पॉन्स होता है उसका। और फर्स्ट ऑनलाइन जो चैट सिस्टम था उसका नाम आप देख सकते हैं यहाँ पर, क्या था यहाँ हम देख सकते हैं, टोकोमैटिक। टोकोमैटिक क्या था, फर्स्ट ऑनलाइन सिस्टम था। अब अगर बात करें यहाँ पे तो इस सिस्टम को किनने डेवलप किया था, तो ये दो व्यक्ति थे, कौन कौन थे, डग ब्राउन एंड डेविड आर बुली, इन्होंने डेवलप किया था 1973 में। तो ये भी आपको फैक्चुअल डिटेल है, आपको याद रखने की बनती है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर, यहीं पे जो चैट सर्विस है वो कौन कौन से है, मतलब जो चैटिंग है कौन कौन से एप्लीकेशन के माध्यम से हम करते हैं। तो आपको पता होगा हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं फेसबुक, व्हाट्सअप, इसके अलावा जीमेल में भी चैटिंग हो जाती है, टेलीग्राम में, ट्विटर में। तो इनके कुछ मतलब जो है जिन्होंने इनको खोजा है या फिर जिनने इनको डेवलप किया, तो उनके नाम देख सकते हैं। फेसबुक को खोजा गया किसके द्वारा, मार्क जुकरबर्ग के द्वारा 2004 में, और अपने फ्रेंड से या क्लासमेट से बातचीत करने के लिए इन्होंने इसको डेवलप किया था। व्हाट्सएप को डेवलप किया है जेन कुम और ब्रियन एक्टन एक्टन, तो जो है एक प्रकार से ये अभी हायर कर लिया गया है फेसबुक के द्वारा, फेसबुक ने इसको अधिकृत कर लिया है। जीमेल पॉल बिचेट, टेलीग्राम को निकोलाई एंड पावेल ड्रॉ, और ट्विटर को है जैक डोरसे, नो ग्लास, बिज स्टोन और इवन विलियम्स, ये चार लोगों ने ट्विटर को खोजा है। तो ये भी चीजें आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, WWW वर्ल्ड वाइड वेब, मतलब पूरा नाम क्या है इसका, वर्ल्ड वाइड वेब। और अगर हम इंटरनेट पर किसी भी प्रकार की सूचना है, जो कि कैसी होती है, हाइपर टेक्स्ट के फॉर्मेट में होती है, ठीक है, मतलब एक प्रकार से हम एक प्रकार से बोल सकते हैं कि जो ऑल द रिसोर्स है, मतलब सारे रिसोर्स है एंड यूजर ऑन द इंटरनेट दैट आर यूजिंग द हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जितने भी लोग हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल को यूज कर रहा है वो सभी चीजें क्या है, सारे रिसोर्स वो सभी क्या है, यहीं पे वर्ल्ड वाइड वेब में है। वर्ल्ड वाइड वेब एक प्रकार का बड़े स्तर का डाटाबेस है जिसमें सारी रिसोर्सेस यानी सारी सूचनाएं रहती है। इसको फाउंड किया गया था टिम बर्नर्स-ली के द्वारा, कब, 1989 में, ठीक है। और ये जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी मान्यता इसको प्राप्त है, कौन सी, वर्ल्ड वाइड वेब कंसर्टियम, यानी कि W3, तीन बार W है और C, यानी कि W3 कंसर्टियम। तो ये जो है इसके द्वारा इसको मान्यता प्राप्त की गई और 1989 में इन्होंने इसको डेवलप किया था। द वर्ल्ड वाइड वेब इज द यूनिवर्स ऑफ नेटवर्क एक्सेस इंफॉर्मेशन, ठीक है, मतलब एक प्रकार से WWW को हम बोल सकते हैं ब्रह्मांड, किसका, सूचनाओं को एक्सेस करने वाला, मतलब जहां सूचनाएं रखी है उसका ब्रह्मांड इसे बोला जा सकता है। द वर्ल्ड वाइड वेब इज द वे ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट, मतलब एक से अधिक कंप्यूटर, जैसे ये मान लीजिए कंप्यूटर है और यहाँ पे भी एक कंप्यूटर है, यहाँ से कंप्यूटर में हम एक जगह दूसरी जगह सूचना को भेजना है, तो एक एक्सचेंज करने के लिए एक क्या है, मीडिएटर का काम करता है, कौन, WWW। उसके अलावा इंटरनेट एंड वेब इज नॉट द सेम थिंग्स, मतलब इंटरनेट और वेब एक प्रकार से सेम नहीं है, कैसे, वेब यूजेस इंटरनेट टू पास ओवर द इंफॉर्मेशन, मतलब इंटरनेट एक जरिया है जिसके माध्यम से हम वेब में उपलब्ध सूचनाओं को क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं, ठीक। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेब ब्राउजर। तो वेब ब्राउजर क्या होता है, वेब ब्राउजर का मतलब होता है ऐसे एप्लीकेशन जिसके माध्यम से हम इंटरनेट में या फिर वेब में उपलब्ध सूचनाओं को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर वेबसाइट को डाउनलोड करने का काम जो एप्लीकेशन करता है उसे हम बोलेंगे वेब ब्राउजर, ठीक है। तो वेब ब्राउजर एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो अलाउ करता है और व्यू अलाउ करता है कि जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको व्यू कर सके, एक्सप्लोर कर सकते उस इन्फॉर्मेशन को, कहां पर, वेब में। तो वेब में उपलब्ध जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको देखना और उसको मतलब उपयोग करना, ये सारी सुविधा हमको प्रदान करने का काम करता है वेब ब्राउजर। और यूजर कैन रिक्वेस्ट फॉर एनी वेब पेज, अगर यूजर किसी रिक्वेस्ट को मतलब जो है रिक्वेस्ट करता है कोई भी वेब पेज की, तो वो एंटर करता है कहां पे, यूआरएल में, अपना जो एड्रेस होता है, मतलब एड्रेस बार में एंटर करेगा या फिर यूआरएल में एंटर करेगा। वेब ब्राउजर कैन शो टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन एंड मोर, मतलब जो वेब ब्राउजर होता है वो इन सभी चीजों को प्रदर्शित कर सकता है, कौन कौन सी, टेक्स्ट हो गया, ऑडियो हो गया, वीडियो हो गया, एनिमेशन हो गया, और अधिक जितनी भी चीजें होती है। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ वेब ब्राउजर टू इंटरप्रेट टेक्स्ट,
एंड कमांड कंटेन ऑन द इन द वेब पेज, मतलब इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दायित्व होता है कि जो वेब ब्राउजर होता है वो सभी टेक्स्ट को इंटरप्रेट कर सके, जो कमांड होती है उनको। अर्लियर द वेब ब्राउजर वर टेक्स्ट बेस्ड, बाइल मतलब जो सबसे पुराने जो वेब ब्राउजर थे वो टेक्स्ट बेस्ड थे, कैसे हम टाइप करके उसमें रिक्वेस्ट डालते थे। फिर आ गए ग्राफिकल बेस्ड, हम क्लिक करके डाल सकते हैं। फिर आ गए वॉइस बेस्ड, मतलब आज की डेट में हम किसी भी चीज को सर्च कर सकते हैं बोलकर। हम वॉइस आइकॉन को क्लिक करते हैं और वहां से क्या होता है, वो एक प्रकार से सर्च कर लेता है, तो इसे हम क्या बोल देंगे अभी, अपग्रेडेड। और चित्र में आप देख सकते हैं, देखिए ब्राउजर, ब्राउजर के माध्यम से रिक्वेस्ट गई इंटरनेट की सहायता से, कहां गई सर्वर पर, सर्वर ने उसको ढूंढा और रिस्पॉन्स आया इसके पास, मतलब जहां से भेजा गया था। तो इस प्रकार आप उसको समझ सकते हैं। ब्राउजर कौन कौन से हो सकते हैं, आप नाम याद रख सकते हैं, देखिए इंटरनेट एक्सप्लोरर है, जो कंपनी है उसकी कौन सी है, माइक्रोसॉफ्ट है। गूगल क्रोम, इसकी बेस कंपनी है गूगल। मोजिला फायरफॉक्स, ये मोजिला है। नेटस्केप नेविगेटर, ये नेटस्केप कम्युनिकेशन कॉर्पोरेशन है। ओपेरा, ओपेरा सॉफ्टवेयर। और सफारी जो है एप्पल का है, तो ये भी आपको याद रख सकते हैं आप। अब बात करते हैं HTTP की, तो HTTP का पूरा नाम क्या होता है, एक प्रकार का प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में विस्तार से जानेंगे और कौन कौन से प्रोटोकॉल होते हैं उनके बारे में भी। तो यहाँ आप देख सकते हैं द हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, मतलब एक प्रकार से इसका पूरा नाम क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज एन एप्लीकेशन लेवल प्रोटोकॉल फॉर डिस्ट्रीब्यूट कोलैबोरेट हाइपर मीडिया इंफॉर्मेशन सिस्टम। मतलब एक प्रकार से इंटरनेट पर क्या करना, एक जगह से दूसरी जगह सूचनाओं को क्या करना, ट्रांसफर करने के लिए उपयोग किया जाता है इसको। मतलब सूचनाओं को डिस्ट्रीब्यूट भी किया जाता है, सामंजस्य बिठा कर रखता है, जो हाइपर मीडिया होती है उसको, सारी चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए एक प्रकार से एप्लीकेशन है, जो मतलब एक प्रकार से एप्लीकेशन लेवल प्रोटोकॉल है। एप्लीकेशन लेवल मतलब जो ब्राउजर होता है, ब्राउजर के बेस का ये प्रोटोकॉल है, इसकी सहायता से हम सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपली आप समझ सकते हैं हाइपर टेक्स्ट मतलब क्या होता है, एक लिंकिंग टेक्स्ट, और लिंकिंग टेक्स्ट को एक जगह दूसरी जगह ट्रांसफर करने का काम करता है। हमने HTML के उसमें पढ़े थे सारी चीजें ये विस्तार से। फिर बोल सकते हैं हम, दिस इज द फाउंडेशन फॉर डेटा कम्युनिकेशन फॉर द वर्ल्ड वाइड वेब, मतलब एक प्रकार से बेस है और इसको डेवलप किया गया था 1990 में, मतलब 1990 से एक प्रकार का फाउंडेशन का काम कर रहा है कम्युनिकेशन के लिए, कहां पर, इंटरनेट पर, वर्ल्ड वाइड वेब में। बेसिकली HTTP जो होता है इज अ TCP/IP बेस्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, मतलब TCP/IP हमने देखे हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, उसके बेस मतलब उस पर बेस्ड एक प्रकार का क्या है, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, जो क्या करता है, यूज टू डिलीवर डेटा, मतलब जो डेटा है उसको डिलीवर किया गया है उसको यूज करता है, जैसे कि HTML फाइल हो गई, इमेज फाइल हो गई, क्वेरी हो गई, कोई रिजल्ट हो गया ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। मतलब जो डेटा होता है TCP/IP के माध्यम से, जो बेस प्रोटोकॉल है एक प्रकार से कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, जो डिलीवर किया हुआ डेटा को क्या करता है, यूज करता है वेब का, ठीक है, HTML फाइल, इमेज और क्वेरी को। इट प्रोवाइड अ स्टैंडर्डाइज वे फॉर कंप्यूटर टू कम्युनिकेशन विद ईच अदर, मतलब एक प्रकार से एक स्टैंडर्ड वे है जो क्या करता है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को कम्युनिकेट करने के लिए यहाँ पे यूज किया जाता है, किसका, HTTP का। और HTTP का पूरा नाम आप देख सकते हैं क्या, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका आर्किटेक्चर आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे HTTP प्रोटोकॉल है और यहाँ पे कोई क्लाइंट है जिनने सर्च किया है किसके माध्यम से, HTTP प्रोटोकॉल के माध्यम से, वेब सर्वर के पास रिक्वेस्ट गई और उसने उसको डेटाबेस में खोजा और वापस लाकर फिर से यहाँ प्रदान कर दिया। तो ये है एक प्रकार का HTTP आर्किटेक्चर। आप बात कर लेते हैं OSI मॉडल की, तो OSI मॉडल क्या होता है, OSI का मतलब होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, और मॉडल मतलब आप समझ सकते हैं एक क्या है, एक डेमो, एक प्रकार से मॉडल, मतलब एक आर्किटेक्चर बोल सकते हैं हम। तो द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन जो एक प्रकार से मान्यता प्रदान करती है, उसके द्वारा पहले से डिफाइन एक मॉडल है जो क्या करता है, कम्युनिकेशन सिस्टम एक प्रकार से कम्युनिकेशन सिस्टम है, मतलब जिसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा क्या है, पहले से डिफाइन है ये मॉडल, जिसे हम क्या बोलते हैं, OSI मॉडल। सिंपली हम समझ सकते हैं कि जो OSI मॉडल है वो क्या करता है, इंटरनेट पर सूचना भेजने और लाने ले जाने के लिए एक प्रकार से स्टैंडर्ड, मतलब पहले से डिफाइन मॉडल है, जिसे हम बोलते हैं OSI मॉडल, और पूरा नाम है उसका क्या, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। और यहाँ पे देखिए दिस लेयर्ड मॉडल इज अ कॉन्सेप्चुलाइज्ड व्यू, मतलब एक प्रकार से कॉन्सेप्चुलाइज मतलब जो लॉजिकल व्यू होता है उसको कैसे
वन स्क्रीन मतलब वन सिस्टम शुड कम्युनिकेट विद द अदर, मतलब जो सिस्टम होता है एक सिस्टम अदर से कैसे क्या कर सके कम्युनिकेट कर सके, उसके लिए यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे कंसेप्चुअलाइज्ड व्यू को निर्धारित करता है यूजिंग वेरियस प्रोटोकॉल डिफाइन ईच अदर, मतलब बहुत सारे प्रोटोकॉल का यूज करके एक सिस्टम दूसरे सिस्टम से कैसे कम्युनिकेट कर सके उसको भी डिफाइन करने का काम किसका होता है, OSI मॉडल का। ईच लेयर इज डिजाइन डेजिग्नेटेड टू, यहाँ पे देख सकते हैं हम पहले से डिफाइन होती है, मतलब जो पहले देखिए OSI मॉडल जो होता है बहुत सारी लेयर से मिलकर बना होता है, जैसे हम देख सकते हैं 7 लेयर, तो 7 लेयर के बारे में हम विस्तार से पढ़ सकते हैं, और प्रत्येक लेयर जो होती है अपना अपना काम करने के लिए पहले से डिफाइन होती है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं जो फिजिकल लेयर होती है इसकी, पहली लेयर हम बोल सकते हैं, वो क्या करती है जो डिवाइसेस होती है जितनी भी, जैसे हम बोल सकते हैं देखिए वायर होता है, फ्रिक्वेंसी होती है, जो भी सिस्टम होते हैं हमारे फिजिकल यानी कि छूने योग्य जितने भी होते हैं डिवाइस, उन्हें हम बोलेंगे फिजिकल लेयर के अंतर्गत, और वो सारी चीजें होती है कम्युनिकेशन के लिए यहाँ पर सहायक डिवाइसेस। ठीक है, 7 लेयर होती है, तो हम नीचे से ऊपर की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो पहली लेयर होती है फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन। सबसे लास्ट में एप्लीकेशन होता है, आपने देखा होगा ब्राउजर, हम बोल सकते हैं प्रेजेंट कैसे करना वो डिफाइन करता है, सेशन मतलब कितनी देर तक, ट्रांसपोर्ट मतलब लाना ले जाना, नेटवर्क मतलब एक दूसरे से जुड़कर जो बना होता है, डेटा लिंक मतलब डेटा को लिंक करना, और फिजिकल लेयर मतलब जो कम्युनिकेट करने के लिए डिवाइसेस यूज की जाती है। तो सबसे पहली जो लेयर है उसके बारे में हम जान सकते हैं यहाँ पर, कौन सी है, फिजिकल लेयर। तो ये जो लेयर होती है वो क्या डील करती है कि जो हार्डवेयर टेक्नोलॉजी है उनको जो है एक्चुअल कम्युनिकेशन करने के लिए यहाँ पे, मतलब कम्युनिकेशन करने के लिए कैसे मैनेज किया जाए, जैसे कि सिग्नल हो गया, वोल्टेज हो गया, केबल टाइप हो गया एंड लेंथ हो गया, सारी चीजों को मैनेज करने का काम कौन करती है, फिजिकल लेयर। इसके बाद हो गई डाटा लिंक लेयर, डाटा लिंक लेयर जो होती है सेकंड लेयर होती है, तो इस लेयर में जो होता है एक प्रकार से ट्रांसमिशन डेटा मतलब सिग्नल पल्स आदि को जो होता है फिजिकल लेयर के द्वारा यहाँ पर कनेक्ट, एक प्रकार से डेटा फ्रेम हो गया एंड सेंड दैट द अपर लेयर एंड वॉइस वर्सा। ठीक है, मतलब एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कि फिजिकल लेयर के माध्यम से या फिजिकल लेयर की सहायता से क्या करना, नेटवर्क लेयर से कनेक्टिविटी बनाने के लिए यहाँ पे डेटा लिंक लेयर का उपयोग किया जाता है। नेटवर्क लेयर क्या करती है, सूचनाओं को एक जगह दूसरी जगह ले जाने के लिए यहाँ पे ये काम करती है, मतलब एक प्रकार से लाने ले जाने की नहीं बोले हम, नेटवर्क मतलब होता है बहुत सारी चीजें, मतलब डेटा को लाने ले जाने एक जगह से दूसरी जगह है, इसके लिए इसका यूज किया जाता है। और इट प्रोवाइड मीन टू एलोकेट लॉजिकल एड्रेसेस टू होस्ट एंड आइडेंटिफाई देम यूनिकली यूजिंग द सेम। ठीक है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम तो जो करती है, परंतु यहाँ पे ये ढूंढ भी सकती है, मतलब एक प्रकार से जो जिस एड्रेस पे हमको भेजना है उसको ये क्या करती है यहाँ पर यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है, फोर्थ नंबर की लेयर है, तो दिस लेयर प्रोवाइडेड इन एंड टू एंड डेटा डिलीवरी अमंग होस्ट्स। ठीक है, मतलब एंड टू एंड जो डेटा होता है उसको डिलीवरी करने का काम करती है होस्ट के माध्यम से, और दिस लेयर टेक डेटा फ्रॉम द अबव लेयर एंड ब्रेक इन इट इंटू स्मॉलर यूनिट कॉल्ड सेगमेंट, मतलब जो छोटी यूनिट होती है उसको हम क्या बोलेंगे, सेगमेंट, एंड देन गिव्स इट टू द नेटवर्क लेयर फॉर ट्रांसमिशन। जो नेटवर्क लेयर होती है मतलब उसकी सहायता से क्या करती है, एक जगह दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट मतलब डेटा को लाने ले जाने का काम करती है ट्रांसपोर्ट लेयर। उसके बाद है सेशन लेयर, सेशन लेयर हम सिंपली समझ सकते हैं क्या कि जो हम अगर बात करें भेजने के लिए, हमने जैसे मान लो कोई चीजें हमने लॉगिन किए, फेसबुक लॉगिन किए है, या फिर हम बोल सकते हैं कोई फेसबुक तो लॉगआउट होती नहीं है, कोई दूसरी वेबसाइट लेते हैं, जैसे एमपी ऑनलाइन में हमारा अकाउंट है, ठीक है, एमपी ऑनलाइन को हमने लॉगिन किया, तो मात्र 15 मिनट या 20 मिनट तक वो सेशन एक्सपायर नहीं होगा, सेशन एक्सपायर का मतलब होता है लॉगिन रहेगा, उसके बाद वो लॉगआउट हो जाएगा ऑटोमेटिक या सेशन फेल्ड बोल देगा, मतलब एक निश्चित स्थिति तक क्या करता है सेशन को रोक कर रख सकता है कि भाई इतनी देर तक मैं लॉगिन रहूंगा, उसके बाद वो आउट हो जाता है, यानी कि फिर से हमको लॉगिन करना पड़ता है, तो इसी को मेंटेन करने काम होता है सेशन लेयर का। और ये होती है पांचवी लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर होती है कि किस प्रकार से डेटा को यहाँ पर प्रदर्शित कराना है, उसको मेंटेन करने काम होता है किसका, प्रेजेंटेशन लेयर का। इसके अलावा होती है एप्लीकेशन लेयर, सबसे लास्ट की लेयर होती है। एप्लीकेशन होती है जैसे कि हम बोल सकते हैं सबसे लास्ट में, मतलब एप्लीकेशन जिसके माध्यम से हम डेटा को दिखाने का काम कर सकते हैं उसे हम बोलेंगे एप्लीकेशन लेयर। तो ये सातवीं लेयर होती है। तो OSI मॉडल आप समझ सकते हैं 7 लेयर का कलेक्शन है जिसे हम OSI मॉडल बोलते हैं। और OSI मॉडल एक प्रकार का प्री डिफाइंड एक स्ट्रक्चर या मॉडल है जिसके माध्यम से सूचनाओं को आदान प्रदान हम आसानी से कर सकते हैं। तो ये तो बात कर ली हमने किसकी, बहुत सारे टॉपिक पे हमने डिस्कशन किए, हालांकि लेक्चर बहुत बड़ा हो गया है, फिर भी कोई नहीं,
आपको पढ़ना है तो आप 2-3 पार्ट में पढ़ सकते हैं, नहीं तो एक बार में भी पढ़ सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा है। ठीक है, मेरे द्वारा 1 घंटे से, मतलब जैसे लगभग 1 घंटे का लेक्चर हो गया, तो 1 घंटे से मैं अगर मैं बोल सकता हूँ तो आप, सिंपल सी बात है, आप पढ़ सकते हैं, और अगर नहीं पढ़ सकते तो आप 2-3 पार्ट में पढ़ सकते हैं, परंतु पढ़ लिया करो। ठीक है, तो अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हैं, और इसके बाद जो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो भी आएगा, और उसमें भी कुछ बेसिक चीजें हैं वो भी आपके सामने प्रस्तुत की जाएगी। और आपको अगर पसंद आया लेक्चर तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर ले चैनल को इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए, और बेल आइकन को क्लिक कर ले ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।